क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व y प्लस 4 इक्वल टू 4। तो इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड करने है। तो इसमें हम वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड की तरफ सेपरेट करेंगे। तो ये y इक्वल टू होगा, तो ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो इसके साइन चेंज होगा, ये होगा माइनस फोर। सो y इक्वल टू 0 आंसर। और फिर इसको हम चेक करके भी दिखा देते हैं। चेकिंग LHS इज इक्वल टू y प्लस 4, और फिर इसमें हम पुट करेंगे y की वैल्यू 0। सो 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 RHS, हेंस वेरीफाइड।